कहते हैं कि क्या बीवी अपने शौहर को नाम के साथ पुकार सकती है, वरना क्या कहेगी 420 या 786? अकल करो, क्यों नहीं पुकार सकती? नाम लेने से यार निकाह टूट जाएगा। अजीब लोगों ने बना रखे हैं मसले कि बीवी शौहर का नाम ले। क्यों नाम ना ले जनाब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम अजवाज मुत्तहरात हजूर का नाम नहीं लेती थी, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते जी किसी ऐसी हदीस में बात है कि कोई गरीब आदमी आए और हुजूर फरमाएं कि तुम जाओ शादी करो तो तुम्हें गुर्बत तुम्हारी दूर हो जाएगी, लेकिन हुजूर उसे दूसरी शादी के लिए कहते हैं, वो फिर गरीब ही रहता है। जब तीसरी शादी के लिए कहते हैं उसके बाप पैसा मांगता है। ये तो ऐसी रिवायत नहीं है जैसे तुमने बनाई है। असल तो मसला ये कुरान में मौजूद है कि तुम शादी करो और ये न डरो कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से खर्च करूँगा, कहाँ से बीवी के लिए घर बनाऊँगा। इन यकून फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाह, अगर तुम फकीर हो अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे, अल्लाह तुम्हें गनी कर दे। ये तो कुरान में भी मौजूद है। तो जब एक बात नस में मौजूद हो, कुरान में मौजूद हो, किसी और बात के तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं।